पहले दोस्तों आप इसकी अनबॉक्सिंग देख लीजिएगा, उसके बाद दोस्तों मैं आपको ये चेक करके दिखाऊंगा इसमें पानी आ रहा है या नहीं। तो जैसे कि देख सकते हो दोस्तों आप, उधर का वॉशर काम कर रहा है अपना, इधर का दोस्तों एक साइड का वॉशर काम नहीं कर रहा है। तो जैसे कि देख सकते हो आप, तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा, मतलब दोस्तों ये वाला काम कर रहा है इसका, बट दोस्तों ये वाला काम नहीं कर रहा है। अभी देखेंगे दोस्तों इसे खोल के। तो ये कुछ इस प्रकार से है दोस्तों इसका वॉशर। तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। ये अपनी श्योरली बीट, इसमें दोस्तों प्रॉब्लम ऐसी है, इसमें जो वॉशर है इसमें पानी नहीं आ रहा है, वो भी आपको चेक करके दिखाएंगे अभी। तो आज के वीडियो में दोस्तों यही अपन इसका वॉशर साफ करने वाले हैं। अभी देखेंगे दोस्तों इसे साफ करके, अगर दोस्तों साफ करने के बाद ये ठीक होता है तो अपन यही वॉशर यूज़ करेंगे, नहीं तो हमने दोस्तों बुडमो से ये नया वॉशर मंगाया है। जैसे कि देख सकते हो आप, ये कुछ इस प्रकार से, इसके अनबॉक्सिंग भी दिखाएंगे दोस्तों आपको। उससे पहले एक जानकारी देना चाहूँगा दोस्तों, ये वॉशर और ये वॉशर सेम ही वॉशर है, मतलब दोस्तों आपका ये दोनों में से कोई भी वॉशर ख़राब हो चुका होगा तो आप बुडमो से जाकर ले सकते हो। बट दोस्तों आपका जो रियर वॉशर है, आपका जो टॉप मॉडल होगा उसमें रियर वॉशर आता है, तो आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से इसका रियर वाला वॉशर है, जैसे कि देख सकते हो आप यहाँ पे। अगर दोस्तों आपकी कार टॉप मॉडल होगी तो आपका डेफिनेटली दोस्तों ये रियर वॉशर होगा इसमें। तो ये कुछ इस प्रकार से, तो दोस्तों थोड़ा बहुत फोकस नहीं हो रहा है, तो एक मिनट आपको क्लियर बता देता हूँ। तो ये कुछ इस प्रकार से, आई होप दोस्तों आपको दिख रहा होगा। अगर दोस्तों आपको ये रियर वाला वॉशर चेंज करना होगा तो ये दोस्तों अलग है, ये कुछ इस प्रकार से है, और इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पहले दोस्तों आप इसकी अनबॉक्सिंग देख लीजिएगा, उसके बाद दोस्तों मैं आपको ये चेक करके दिखाऊंगा इसमें पानी आ रहा है या नहीं। तो ये कुछ इस प्रकार से, जैसे कि देख सकते हो दोस्तों आप, पन्नी में आया है, और ये अपन ने बुडमो से मंगाया है। तो ये कुछ इस प्रकार से बुडमो की ब्रांडिंग दी गई है यहाँ पे। तो ये कुछ इस प्रकार से इसकी MRP प्राइस, जैसे कि देख सकते हो आप, ये विद GST है दोस्तों। तो वैसे दोस्तों इसकी बुडमो में प्राइस 169 रुपीज़ है, पर दोस्तों ये GST और डिलीवरी चार्ज लगा के दोस्तों ये 189 रुपीज़ का पड़ा है, जैसे कि देख सकते हो आप। तो चले अभी इसे खोल लेते हैं। तो ये दोस्तों इसमें आया है, जैसे कि देख सकते हो आप, और इसमें कोई भी अभी का कुछ है नहीं, जैसे कि देख सकते हो आप। इसे रखते हैं साइड में, तो इसमें ही है दोस्तों ये। तो ये दोस्तों कुछ इस प्रकार से इसका वॉशर, जैसे कि देख सकते हो आप। यहाँ पे दोस्तों कुछ शेवरलेट की ब्रांडिंग दी गई है, जैसे कि देख सकते हो आप, GM शेवरलेट। तो जैसे कि देख सकते हो आप, ये आई थिंक दोस्तों पार्ट नंबर होगा, और इस साइड से भी कुछ इस प्रकार से। तो ये देख लीजिएगा दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार से, ताकि दोस्तों आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। तो चलिए अभी इसे खोलते हैं। तो ये दोस्तों वॉशर, जैसे कि देख सकते हो आप, कुछ इस प्रकार से। तो ये कुछ इस प्रकार से है दोस्तों इसका वॉशर। तो अभी दोस्तों अपन अपना पुराना वाला वॉशर साफ करेंगे, अगर दोस्तों साफ होने पे ठीक होता है तो ठीक, नहीं तो अपन ये वाला डाल देंगे। तो चले दोस्तों अभी आपको अपना पुराना वाला वॉशर चेक करके दिखाते हैं। चले दोस्तों आपको चेक करके दिखा देते हैं अभी। ये कुछ इस प्रकार से अपन ने ऑन कर ली है गाड़ी, तो ये कुछ इस प्रकार से। तो जैसे कि देख सकते हो दोस्तों आप, उधर का वॉशर काम कर रहा है अपना, इधर का दोस्तों एक साइड का वॉशर काम नहीं कर रहा है। तो जैसे कि देख सकते हो आप, मतलब जो एक नोजल है दोस्तों, इसमें दरअसल दो नोजल होते हैं, मतलब दोस्तों इसका एक नोजल काम नहीं कर रहा है बराबर। आई थिंक दोस्तों इसमें कचरा होगा। अभी देखते हैं दोस्तों साफ करके इसे, फिर आपको दिखाते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा, मतलब दोस्तों ये वाला काम कर रहा है इसका, बट दोस्तों ये वाला काम नहीं कर रहा है। अभी देखेंगे दोस्तों इसे खोल के। इधर का तो सही से काम कर रहा है अपना,
तो इसकी कोई बात नहीं है। तो इसका दोस्तों देखते हैं अभी क्या फॉल्ट होगा इसमें, इसे साफ करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। इसे साफ करने के लिए दोस्तों अपन को बोनट खोलना होगा, तो चले दिखा देते आपको। भाई अपन ने ये बोनट खोल लिया है और ये कुछ इस प्रकार से इसका वॉशर का पाइपलाइन है, जैसे कि देख सकते हो आप ये कुछ इस प्रकार से। अभी दोस्तों अपना ये इंस्टॉलेशन लगा है, उसके पीछे दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से। तो ये दो जॉइंट है दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो यही पाइप इधर चला गया दोस्तों दूसरे वॉशर में, जैसे कि देख सकते हो आप। तो हमें ये जॉइंट निकालना होगा। तो दोस्तों वीडियो में थोड़ी नॉइज़ आएंगी क्योंकि दोस्तों हवा चल रही है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए दोस्तों पहले इसका पाइप निकालते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अपन ने ये पाइप निकाल लिया, जैसे कि देख सकते हो आप ये कुछ इस प्रकार से पाइप निकाल लिया है अपन ने। तो अब ये दोस्तों आसानी से निकल जाएगा यहाँ से। तो इसे दोस्तों निकालने के लिए ये जो इसके जो लॉक दिए गए हैं इसे दबाना होता है और ये ऊपर की तरह निकल जाता है। तो चले दोस्तों अभी निकाल के दिखा देते हैं आपको। तो दोस्तों हमें अभी इसे निकालना होगा, ये जो जॉइंट है इसे निकालना होगा। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से निकल जाएगा, तो जैसे कि देख सकते हो आप ये निकल चुका है। अब दोस्तों ये नोज़ल आसानी से निकल जाएगा। इसे दोस्तों ये जो लॉक होते हैं, ये दो लॉक होते हैं, आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा। तो ये जो लॉक होते हैं इसे प्रेस करना होता है दोस्तों। इसे प्रेस करने के बाद दोस्तों ये ऊपर की तरफ आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए दिखा दे आपको। तो दोस्तों हमें इसे अभी प्रेस करना होगा, तो ये कुछ इस प्रकार से ऐसा प्रेस करना होगा। आई होप दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये कुछ इस प्रकार से, और ये ऊपर के साइड में निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आपको ऊपर के साइड से दिखा देता हूँ। तो ये दोस्तों अपना वॉशर, अभी मैं नीचे से प्रेस करूँगा। ये कुछ इस प्रकार से, और ये कुछ इस प्रकार से निकल जाएगा दोस्तों, ये जैसे कि देख सकते हो आप ये कुछ इस प्रकार से। तो चले निकाल लेते हैं। तो ये है दोस्तों इसका वॉशर। आई होप दोस्तों कैमरा अच्छे से फोकस कर रहा होगा। अब ये तो दोस्तों मुझे एडिटिंग में मालूम होगा, क्योंकि दोस्तों अभी काफ़ी ज़्यादा धूप गिर रही है, जैसे कि देख सकते हो आप। आपको एक बार दिखा देता हूँ बैटरी पे रख के। तो ये कुछ इस प्रकार से इसका वॉशर है। तो चलिए दोस्तों अभी इसे साफ करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से है, मतलब दोस्तों हमारा ये वॉशर चालू है, मतलब ये पॉइंट चालू है अपना। ये दोस्तों ये ख़राब है, मतलब ये जैम हो चुका है। अभी दोस्तों इसे अब साफ कर लेते। ये दोस्तों कुछ इस तरीके की टासनी वगैरह पिन ले सकते हैं आप, तो इससे अपन साफ करेंगे ये कुछ इस प्रकार से। आई थिंक दोस्तों इसमें कचरा होगा, नॉर्मल तो ये ऐसा काम करना छोड़ता नहीं है। आई होप दोस्तों इसमें कचरा ही होगा। अगर दोस्तों आपके पास एयर वॉशर होगा तो आप इससे भी साफ कर सकते हो, उसके प्रेशर से दोस्तों यहाँ पे प्रेशर बना के आप इसे साफ कर सकते हो, वो बेस्ट रहेगा दोस्तों। अभी तो दोस्तों फिलहाल अपने पास है नहीं, तो अपन इससे ही साफ करने वाले हैं। और यहाँ से दोस्तों हमें फूंक मारना होता है, ताकि दोस्तों ये पूरे तरीके से इसमें का जो भी कचरा है वो एयर के थ्रू बाहर निकल जाए। इसे दोस्तों ऐसे ही अच्छे तरीके से साफ कर लेना है। मोस्टली दोस्तों इसमें कचरा जाने के कारण ही ये काम नहीं करता है। तो दोस्तों अपन ने इसे प्रॉपर तरीके से साफ कर लिया है। तो चलिए दोस्तों अभी लगा के देखते हैं, चेक करके दिखाते हैं आपको सही में ये वर्क करता है या नहीं। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों अपन ने वॉशर लगा लिया, जैसे कि देख सकते हो आप यहाँ पे। तो अभी दोस्तों आपको चेक करके दिखा देते हैं आपको सही में ये वर्क करता है या नहीं, और आपको ये लगाने के बाद भी एक फाइनल रिजल्ट भी दिखाएंगे। तो पहले ये देख लीजिएगा। तो चलिए अभी दिखाते हैं आपको।
जैसे कि देखा है दोस्तों, अपने दोनों भी पॉइंट वर्क कर रहे हैं जैसे कि देख सकते हो आप। जाहिर सी बात है दोस्तों, इसमें कचरा गया था इसीलिए ये काम नहीं कर रहा था। तो अभी दोस्तों इसे लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसे लगाते हैं। ये कुछ इस प्रकार से लग जाएगा दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार से, तो ये कुछ इस प्रकार से। अब इसे हमें ड्रेस करना होगा, तो ये कुछ इस प्रकार से लग चुका है दोस्तों। तो आपको एक बार इधर से भी दिखा देता हूँ, ये कुछ इस प्रकार से। आई होप दोस्तों आपको दिख रहा होगा, तो ये कुछ इस प्रकार से दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको दिख रहा होगा। तो अभी दोस्तों हमें पाइप का कनेक्शन करना होगा, ये कुछ इस प्रकार से। तो इसे लगाते हैं फिर आपको दिखाते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो भाइयों, अपन ने पाइप लगा लिया है जैसे कि देख सकते हो आप। अब ये दोस्तों, ये कनेक्शन इसमें जोड़ना होगा, और ये कनेक्शन, और ये कनेक्शन इसमें जोड़ना होगा, जो कि दोस्तों ऐसा लग जाएगा जैसे कि कुछ इस प्रकार से। तो चलिए दोस्तों अभी ये दोनों भी कनेक्शन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो अपन ने ये कनेक्शन प्रॉपर तरीके से कर लिया दोस्तों, यहाँ से पूरे तरीके से अपना कनेक्शन हो चुका है। तो अभी दिखाते हैं दोस्तों आपको चेक करके फाइनल। तो चलिए दोस्तों अभी इसे अपन ये इंस्टॉलेशन को भी सही से लगा देंगे, यहाँ से और यहाँ से, तो कुछ इस प्रकार से ये लग चुका है दोस्तों। तो चलिए आपको दिखा देते हैं अभी फाइनल रिजल्ट दोस्तों, अभी आपको फाइनल टेस्ट करके दिखा देते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से अपना वॉशर है जैसे कि देख सकते हो आप। अभी दोस्तों प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है अपना वॉशर, दोनों भी तरफ के वॉशर जैसे कि देख सकते हो आप, इधर वाला और एक इधर वाला, जो कि देख सकते हो आप कुछ इस प्रकार से। आपको एक बार बाहर से भी दिखा देता हूं, तो ये कुछ इस प्रकार से दोस्तों। तो कुछ दोस्तों अपने वॉशर में कुछ इस प्रकार का प्रॉब्लम था जैसे कि आपने देखा ही होगा। और दोस्तों आपका भी ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम हो तो आप इसे घर पे ही ठीक कर सकते हो, सिर्फ दोस्तों इसे साफ करना होता है। और रहा सवाल दोस्तों इसका, ये नया वाले का, और दोस्तों आप इसे बुडमो से परचेस कर रहे हो तो आपको 10 डेज की रिप्लेसमेंट मिल जाती है। आप दोस्तों 10 डेज के अंदर इसे रिप्लेस भी कर सकते हो। तो अभी दोस्तों ये इतना भी कुछ हाईली कॉस्टली नहीं है, तो हम इसे रख लेंगे, फ्यूचर में दोस्तों हमें ये काम आ सकता है। अगर दोस्तों आपको ये परचेज़ भी करना हो तो आपको इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जैसे कि मैंने दोस्तों आपको बताया, ये और ये वाला दोस्तों सेम ही वॉशर है, बट दोस्तों जो रियर वाला वॉशर है वो अलग, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वैसे आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये कुछ दोस्तों आज की वीडियो है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।